सुषमा। हर्ष आ गए क्या वो लोग? नहीं, जहाँ बोला था नहीं खड़ा हूँ। नहीं मतलब 7:30 बजे बोला था, 8:30 हो रहे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बोला तो नहीं था, अभी 8:30 बजे को कुछ पता ही नहीं है। सुषमा तुम सब्र रखो, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम फोन रखो, शायद वो फोन करें। होशियारी मत करना, गेम मत खेलना हमसे। अरे मैं कोई होशियारी नहीं कर रहा हूँ। जैसा तुमने बोला था सुषमा को, पैसों का बैग लेकर आ गया था 7:30 बजे में। पुलिस है साले, हमें मूर्ख समझ रखा है तूने। वो झाड़ी में तेरा बाप बैठा हुआ है। कौन सी झाड़ी? अरे मैंने किसी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है। बोला था पहले ही मैंने तुझे, कोई गेम मत खेलना, कोई होशियारी नहीं चलेगी, तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा। अब तुझे ना अनुराग खंडेलवाल कभी नहीं मिलेगा, समझा? चल निकल बेटा, निकल। हेलो, अरे द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। कौन है आप लोग? किसने भेजा आपको यहाँ पर? उस तरफ जाकर देखो, मूव। आप लोग हैं कौन? फोन पर किससे बात हो रही थी हर्षवर्धन? आप लोग हैं कौन? हम पुलिस हैं। तुमने हमें इस किडनैपिंग के बारे में जानकारी नहीं दी, क्यों? आपने सब गेम खराब कर दिया। हर्षवर्धन, किडनैपर ने क्या कहा वो बताओ। उन्होंने कहा वो नहीं आ रहे। अब उन्हें पता था आप लोग यहाँ पर हैं। आप लोगों को बुलाया किसने, इन्फॉर्म किसने किया? सर आप लोगों ने मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर अनुराग की जान खतरे में डाल दी। मैं पैसा लेकर आया था, उन्हें देता और उसे छोड़ देते, लेकिन आपने सारा काम खराब कर दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने? अनुराग खंडेलवाल पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। 19 अगस्त 2019 की सुबह वो घर से निकला, मगर देर शाम तक वो लौटा नहीं। ठीक उसी रात अनुराग की पत्नी सुषमा खंडेलवाल को फिरौती का कॉल आया। हेलो, हेलो। सुषमा खंडेलवाल, अपने पति अनुराग खंडेलवाल को जिंदा देखना चाहती हो? कौन बोल रहा है? वही जिसके हाथ में गन है और जो गन तुम्हारे पति अनुराग खंडेलवाल के सर पर है। प्लीज मेरे पति को कुछ मत करना, प्लीज। आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगी। 25 लाख, वो भी कैश। कल सुबह 7:30 बजे भोजपुर के रास्ते माता की चौकी के पास एक बड़ा बरगद का पेड़। वहाँ वो तुम्हारे पति का दोस्त हर्षवर्धन राणा, उसको भेजना पैसे लेकर। और हाँ, पुलिस को बताने की सोचना भी मत। सिर्फ पैसे से भरा बैग और हर्षवर्धन राणा। 7:30 बजे माता की चौक। आप लोगों ने मेरे दोस्त अनुराग की जान खतरे में डाल दिए सर। आपको खबर दी किसने? हम यहाँ किडनैपर्स को पकड़ने आए थे। तुम खुद तो पुलिस के पास आए नहीं, लेकिन हमें खबर मिल गई किडनैपिंग। नहीं तो हमारे पास तो किसी अनुराग खंडेलवाल की किडनैपिंग कंप्लेंट नहीं आई। किशन, हुआ क्या है, पूरी बात बता। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसा कुछ होता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करते। सीधे पॉइंट पे आ किशन। एक लेडीज का फोन आया था, वो बोल रही थी कि रुद्रनगर में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अनुराग खंडेलवाल का किडनैप हो गया है और फिरौती की रकम भी मांगी गई है, पूरे 25 लाख रुपए कैश। कल सुबह 7:30 बजे माता की चौकी भोजपुर रोड पे ये पूरी फिरौती की रकम दी जाने वाली है सर। आप पहले ये बताइए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी किसने? हर्षवर्धन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम ये बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है और अनुराग खंडेलवाल के साथ क्या हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर अनुराग खंडेलवाल के किडनैपिंग की खबर पुलिस के पास अजीब गरीब ढंग से पहुंची। जुर्म की खबर देने का एक अजीब तरीका। यह अपराध एक अजीब मोड़ लेने जा रहा था। कई दावपेच सामने आने वाले थे इस अपराध की जांच में, और सामने आने वाला था अतीत में हो चुका एक अपराध। अनुराग खंडेलवाल के अपहरण से जुड़ी हर बात संदिग्ध लगने वाली थी, जो एक साजिश की ओर इशारा करेगा। पर यह सब आखिर शुरू कैसे हुआ? किडनैपिंग हुई है, जुर्म हुआ है, और आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा, खुद ही निकल पड़े सेटल करने। मेरे पति की जान खतरे में सर, और आपने देखा ना कि आप लोगों के वहां पहुंचने से क्या हुआ। मैं बस अपने पति को जिंदा वापस लाना चाहती हूँ। तो आपको लगता है कि फिरौती के पैसे लेकर वो आपके पति को छोड़ देते, इस बात की क्या गारंटी है?
गारंटी नहीं लेकिन उम्मीद तो थी, और मैं सुषमा का डर समझता हूँ सर। उन्होंने धमकी दी थी कि हम पुलिस को बीच में बिल्कुल ना लाएं। मेरे पति है कहाँ? प्लीज उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। हम तुम्हारे पति को कोई नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहते, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। हमें पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा पति सही सलामत मिल जाएगा। आप अपने पति के पार्टनर हर्षवर्धन राणा से कहिए हमारे पास पैसे लेकर आ जाए। और हाँ, आपको तो पता है ना, पुलिस के पास नहीं जाना है। ये तो कुछ भी हो सकता है, हम तो खुद ही समझदार हैं। सुषमा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं हर्ष, ऐसी गलती मत करना। वो लोग अनुराग को कुछ कर देंगे, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर उन्होंने पैसे भी ले लिए और अनुराग को नहीं छोड़ा, फिर क्या करेंगे हम? हम पुलिस में नहीं जा सकते। बस हर्ष, मेरे पास कुछ पैसे है, बाकी का कैश तुम अरेंज कर लो। वो मैं अरेंज कर लूंगा, लेकिन फिर भी एक बार सोच लो, अनुराग की फिक्र मुझे भी है। पुलिस में नहीं जा सकते हर्ष, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुम वैसा करो, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। अगर हम पुलिस में गए और अनुराग को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, और ना तुमको। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, लेकिन फिर भी एक। पुलिस में नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ऐसा नहीं है कि हम पुलिस की मदद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अनुराग की जान खतरे में है और सुषमा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और मैं समझता हूँ ये ऐसा क्यों सोच रही थी। 4447 नाम अनुराग खंडेलवाल, किडनैपिंग का केस, सारी डिटेल्स इमीजिएटली मेल कर। मुझे ये नहीं सुना कि डिटेल्स निकलने में टाइम लगेगा। 2 घंटे का टाइम दे रही हूँ, नो एक्सक्यूजेस, समझ गए? सुषमा जी, अनुराग कल सुबह जिस गाड़ी से निकले थे उसका नंबर दीजिए। जी, MP04HR49X8। आपके पति अनुराग खंडेलवाल कल कहाँ के लिए निकले थे, कुछ बताया था आपको? किसी डील के लिए निकले होंगे, उनका प्रॉपर्टी का काम है। कहाँ के लिए निकले थे ये तो ठीक से नहीं बता सकते। अरे रुको, नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके जाओ। नहीं नहीं नहीं, नाश्ता नहीं करूंगा, बहुत बड़े काम के लिए जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। एक काम करो ना, तुम एक चम्मच दही खिला दो मुझे। ठीक है, दही ला रही हूँ, ये लो। ला 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 लो। अभी इसी हाथ से जूते छुए ना, मैं खिलाती हूँ। इस डील के बाद ना हमारी लाइफ बदल जाएगी, कह रहा हूँ। अच्छा, लॉटरी लग गई क्या? ऐसा ही कुछ समझो, मैं दोपहर तक आके तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, ठीक है? दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये देखो बदमाशी, मस्ती नहीं करना, ठीक है? चलो बाय, दूध खत्म करो, चलो चलता हूँ, जल्दी आओ, बाय। तो क्या डील थी, कहाँ थी, ये सब कुछ नहीं बता, बस इतना कहा कि दोपहर में आकर सब कुछ बताएंगे। और शाह बता सकते हैं क्या डील थी? आप तो पार्टनर हैं, आपको तो पता होगा। सर मैंने भी ये बात कल सुषमा से पूछी थी, जब अनुराग के बारे में पूछने के लिए इनका मुझे फोन आया था। कहाँ गया डील के लिए? नहीं, ऑफिस तो आया नहीं, और कल किसी डील के बारे में बात भी नहीं हुई हमारी। जगह बताई कहाँ गया है? नहीं हर्ष, अनुराग ने कोई जगह तो नहीं बताई, पर ये जरूर कहा था कि दोपहर तक आएंगे फिर सारी बात बताएंगे। शाम के 5:30 बज रहे, अब तक फोन बंद आ रहा उनका। सुबह 7 बजे के निकले हुए, नाश्ता भी नहीं किया। लेकिन गया कहाँ है, कौन सी डील, कुछ तो बताया होगा उसने। अनुराग ने मुझे ऐसी किसी डील के बारे में कुछ नहीं बताया। तो मुझे भी बस इतना कहा था कि कोई बड़ी डील है, कहाँ है ये नहीं बताया। वैसे भी वो मुझे अपनी किसी डील के बारे में नहीं बताते। अनुराग कौन सी डील के लिए निकले थे आपको कुछ तो आइडिया होगा, आप पार्टनर हैं, आपको तो पता होना चाहिए। आपको सर पता होना चाहिए, इसीलिए ताज्जुब भी हो रहा है। सर छोटी डील हो या बड़ी डील, अनुराग मुझसे डिस्कस ना करे ऐसा हो नहीं सकता। सर कल कई बार मैंने सुषमा से भी पूछा, क्योंकि पिछले 1 महीने में किसी भी नए डील के बारे में मेरी और अनुराग की कोई बात नहीं हुई थी। क्या हो रहा है सर? हाँ चुपचाप बैठे रहो अनुराग खंडेलवाल, हिलोगे तो ठोकोगे। सर मुझे लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा कुछ जो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? सुषमा जी, हर्षवर्धन को बाहर भेज दी, अब बताइए ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं? सर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि सुबह 7:30 बजे माता की चौकी भोजपुर रोड के पास रोते की रकम दी जाने वाली है? इससे क्या फर्क पड़ता है,
तुम जो कहना चाहते हो वो बताओ हर्ष। सर मैं बार बार इस बात पर जोर डाल रहा था कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन सुषमा अड़ी हुई थी कि नहीं जाना चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची कैसे? फिरौती की रकम तुम ले जाने वाले हो ये बात तुम दोनों के अलावा और किसे पता थी? ये बात या तो सुषमा को पता थी या मुझे पता थी, और किसी को नहीं पता था। और सर अहम बात यह है कि अनुराग और मैं सिर्फ पार्टनर नहीं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं पिछले 7 सालों से, और हमारे बिजनेस में कोई भी डील हम दोनों को पता होता था, चाहे वो अनुराग लाया हो या मैं लाया हूं। तुम ये कहना चाहते हो कि अनुराग खंडेलवाल की बीवी सुषमा हमसे झूठ बोल रही है? सर एक बात है जो मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए थी पर मैंने नहीं बताई। तो आप बता दीजिए। देखिए हमने आपके पति को ढूंढने के लिए सब जगह इन्फॉर्मेशन भिजवा दी, सबको अलर्ट कर दिया, अब आप भी कुछ मत छुपाइए। सर अनुराग ने मुझसे कहा था कि मैं इस डील के बारे में हर्ष को कुछ ना बताऊं। सुषमा इस डील के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम देख लेना। लेकिन इस डील के बारे में हर्षवर्धन को कुछ नहीं बताना, ठीक है? क्यों? एक क्यों क्या मैं कह रहा हूँ, उन्हें नहीं बताना। मैं दोपहर में आके तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है? चलो अपना ख्याल, बाय बाय बेटा। बाय। क्या आपके पति अनुराग और उनके पार्टनर हर्षवर्धन के बीच में किसी डील को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता होता। तो फिर आपके पति ऐसा क्यों करें? तो सुषमा ने मुझे 5:30 बजे फोन करके इन्फॉर्म किया कि अनुराग का फोन नहीं लग रहा है, लेकिन अनुराग का फोन तो मैं सुबह 11 बजे से ट्राई कर रहा था, तब भी नहीं लग रहा था, और सुषमा भी मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अनुराग ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है, और अगर उसे नहीं आना तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अनुराग को अगर ऑफिस नहीं आना था तो फिर कहाँ जाना था? मतलब कैसा पहले भी कभी हुआ है कि वो ऑफिस ना आकर कहीं और चला गया हो? नहीं सर, अनुराग अगर किसी भी काम से जाता है तो मुझे पता होता है, चाहे वो साइट विजिट हो या कोई फंक्शन हो। लेकिन कल अजीब था सर, कल उसका फोन बंद आ रहा था, सुषमा भी मेरा फोन नहीं उठा रही थी। 5:30 बजे सुषमा का मुझे फोन आता है और पूछते कि अनुराग कहाँ है, और फिर फिरौती की कॉल, और सुषमा मुझे जोर डालती है कि ये बात हम पुलिस को ना बताएं, और फिर कोई तीसरा आपको फोन करके सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तभी चेक पोस्ट पे अलर्ट जारी कर दिया सर, अनुराग का नंबर भी फ्लैश कर दिया, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैसेज भेजेंगे। बोलो अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवा लिए, आते ही होंगे। हर्षवर्धन से किडनैपर्स का नंबर मिला है जिसने आज सुबह कॉल किया था ये डील कैंसिल करने के लिए। अब तुझे ना अनुराग खंडेलवाल कभी नहीं मिलेगा, समझा? चल निकल बेटा। किशन खबरी कहाँ? यहाँ कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है, फिरौती की रकम तय होती, जगह तय होती, फिर हमें एक रैंडम इन्फॉर्मेशन आती है इस किडनैपिंग के बारे में जो कि सही निकलती, और किडनैपर्स को भी हमारे वहाँ होने की खबर लग जाती। इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते? हर्षवर्धन का कहना है सर ऐसी कोई डील थी नहीं जिसके बारे में सुषमा कह रही है कि अनुराग ने जिक्र किया था, और सुषमा का कहना है कि अनुराग ने उसे कहा था कि हर्षवर्धन को इस डील के बारे में कुछ मत पता। सर गेम तो ज़रूर है, कोई उलझा हुआ गेम। मुझे तो इस पर भी डाउट है कि अनुराग का किडनैप हुआ भी है, क्या उसकी जान खतरे में है या फिर कोई और बात है। क्या अनुराग खंडेलवाल की जान वाकई खतरे में थी, या उसकी किडनैपिंग किसी और का रचाया चक्रव्यूह था, या खुद अनुराग उस खेल में शामिल था और यहां जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी मर्जी से हो रहा था। पापा कहाँ है? मम्मी वो घर क्यों नहीं आए? वो जल्दी आ जाएंगे बेटा। पापा गए कहाँ हैं? मैंने सुना आप कल हर्ष अंकल से पैसे देने की बात कह रही थी, किसको पैसे देने मम्मा? पापा आ जाएंगे बेटा, जल्दी वापस आ जाएंगे। पर गए कहाँ हैं? पापा को किसी ने किडनैप किया है। क्या हुआ, अनुराग वापस आए? जानती हो मालती, एक अजीब सी बात हुई है। पुलिस को ना जाने कहां से फिरौती वाली बात पता चल गई, किडनैपर्स आए नहीं पैसा लेने, और सुषमा का कहना है अनुराग ने घर से निकलते वक्त उससे कहा था डील वाली बात मुझे ना बताए। क्यों? क्यों छोड़ो, ये बात मुझे कल सुषमा ने नहीं बताई थी, ये बात मुझे आज पुलिस से पता चली। लेकिन अनुराग आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? मतलब आपसे छुपाकर कोई डील? इसी बात से तो मैं भी हैरान हूं, और मुझे तो लगता है कोई डील वील की बात नहीं है, मामला कुछ और ही है। ये कुछ और जो भी था वो अनुराग खंडेलवाल के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखाई देने वाला था, और इस कुछ और के अलावा बहुत कुछ सामने आने वाला था, किडनैपिंग या कोई षड्यंत्र या फिर कोई दाव पेच।
पर इंसान के दिमाग की क्षमता अत्यधिक है। ये जितना अच्छा कर सकता है उतना ही बुरा भी कर सकता है। ये देखिए अनुराग की गाड़ी MP04HR49XZ सह्याद्री रोड से सुबह 9:15 बजे निकली। नरेश, अनुराग की गाड़ी इसके अलावा किसी और जगह पे स्पॉट हुई है आगे के फुटेजेस में? नहीं सर, किसी भी फुटेज में गाड़ी स्पॉट नहीं। सर अगर हमें इनके लास्ट फोन लोकेशन का पता चल जाए ना तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। फिर हमारे पास एक लोकेशन होगी जहाँ से हम इनकी खोज शुरू कर सकते। अनुराग के फोन की लास्ट लोकेशन है चंद्रपुर, जो भोजपुर के रास्ते में। क्या जगह माता की चौकी के पास है या फिर की रकम मंगवाई गई? नहीं सर, माता की चौकी दूसरे रास्ते पर, एकदम उल्टे डायरेक्शन। फिलहाल हम उन सबसे बात कर रहे हैं जिनसे अनुराग ने बात की थी 19 की सुबह या उसके पहले इस डील के बारे में। अंदर आ जाओ सर। आजा आजा किशन। ये क्या गेम चल रहा है यहाँ पे? खिलाड़ी आपस में गेम खेल रहे हैं या खिलाड़ी बाहर से मंगवाए गए? दीपाली, वो नंबर जिससे सुषमा को फिरौती का कॉल आया था और वो दूसरा नंबर जिससे किडनैपर्स ने हर्ष को कॉल किया था, ट्रेस हुए? सर हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं, एज यूजुअल स्विच्ड ऑफ है। हमने डिटेल्स मंगवाए हैं और अनुराग का फोन स्कैनिंग पर है। साहब आप खुद ही देख लो ना, 19 अगस्त की रात 11:45 पे कॉल आया था इस नंबर से, ये वही नंबर है और हमेशा की तरह अब ऑफ है। ये गेम है क्या? तुम्हें कॉल करके किडनैपिंग और फिरौती की इन्फॉर्मेशन दी किसने? साहब लेडीज थी, अपना नाम भी नहीं बता रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता उसने फोन ही काट दिया। नाम तो बताओ मैडम, पता तो चले कौन बोल रहा है। नाम चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए? दोनों चाहिए। एक ही मिलेगा और नाम से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जरूरी है। अच्छा बताइए इन्फॉर्मेशन क्या है? किडनैपिंग हुई है प्रॉपर्टी डीलर अनुराग खंडेलवाल की, कल सुबह 7:30 बजे भोजपुर के रास्ते जो माता की चौकी पड़ती है वहाँ एक बरगद का पेड़ है, रकम है डिलीवर होने वाली। तो पुलिस में कंप्लेन किया? हेलो 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 सर, उसने इन्फॉर्मेशन दिया और फोन काट दिया। आप ही बताओ मैं क्या करता। मुझे उस टाइम लगा आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, सो मैंने किया। किशन ये मामला वैसा है नहीं जैसा देखा। अनुराग खुद से कहीं चला गया, गायब हुआ या किडनैप हुआ ये भी पता नहीं चल रहा। अनुराग की बीवी सुषमा और उसका पार्टनर हर्षवर्धन, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ पकड़ा या दोनों के जहन में अलग अलग से? और अगर अनुराग सच में किडनैप हुआ तो उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मुझे अनुराग की डेड बॉडी नहीं चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दीपाली, कौन बोल रहा है? रफी खान बोल रहा हूँ, खान गैरेज से। 19 तारीख को सुबह तुम्हारी बात हुई थी अनुराग खंडेलवाल से, उसके पहले 18 तारीख को शाम को 6 बजे भी बात हुई। क्या बात हुई थी? गाड़ी की सर्विसिंग सेंटर चलाता हूँ मैडम, अनुराग साहब से भी गाड़ी के सिलसिले में ही बात हुई थी। 19 तारीख को खासकर अनुराग साहब के लिए ही मैंने सुबह 7:30 बजे गैराज खोल दिया था मैडम। सलाम साहब, कैसे हो रफीक? बढ़िया। इसके स्टार्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चेक करके देखो क्या। बैठे ना, मैं देखता हूँ। हाँ देखो, लगभग 15 मिनट लगा होगा मैडम। मैंने अनुराग साहब का गाड़ी ठीक कर दिया और वो लेके चले गए। क्या हुआ है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अनुराग खंडेलवाल जिस दिन तुम्हारे पास आया उसी दिन यानी 19 तारीख को किडनैप हो गया। क्या बात कर रही है मैडम? तुम्हारे पास आने के बाद कहाँ जाने वाला था, कुछ बताया उसने? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन हाँ जा रहे थे किसी जरूरी काम से, क्योंकि 18 तारीख की शाम को उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि मुझे 19 तारीख को सुबह जाना है और उनके स्टार्टर में प्रॉब्लम है। मैंने कहा साहब अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कल सुबह पक्का कर दूंगा। बस इतना ही हुआ था? हाँ मैडम इतना ही हुआ था, और क्या होगा मैडम। आप कहीं मुझ पर शक तो नहीं कर रही हैं? अनुराग को किसने किडनैप किया रफीक? मैडम वो मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं तो बस छोटा सा गैरेज चलाता हूँ मैडम। किडनैपिंग जैसे काम में मेरा कोई लेना देना नहीं है, अनुराग साहब मेरे पुराने कस्टमर हैं। सुषमा अब तो पुलिस भी नहीं है आसपास, अब तो बता दो अनुराग कहाँ है। काश कि वो मुझे कुछ कहकर जाते तो मैं तुम्हें और पुलिस को कुछ बता पाती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अनुराग ने तुमसे कही डील वाली बात मुझे मत बताना और तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। क्योंकि यही हुआ था हर्ष, मुझे सचमुच उस डील के बारे में कुछ नहीं पता। और तुमने क्या किया? पहले तो मेरा फोन नहीं उठा रही थी, फिर शाम को मुझे ही फोन करके पूछते अनुराग का है। ऐसा क्या जो तुम उसे छुपा रही हो?
तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो अनुराग गायब है, घर नहीं लौटे, मैं परेशान हुआ तो मुझ पे उंगली उठा रहे हो? मैं तुम पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। तुम्ही ने कहा अनुराग ने डील वाली बात मुझे बताने से मना किया, तुम्ही ने मुझे फरौती के पैसे ले जाने को कहा और यह भी कहा कि पुलिस को यह बात ना पता चले। मैं कैसे यकीन मान लूं तुम्हें कुछ नहीं पता? ऐसा क्या है जो अनुराग हमसे छुपाना चाहता है? सुषमा, पुलिस को शक है कि तुम्हारा हाथ है इन सब में और तुम्हारे इस खेल में मैं भी शामिल हूं। पुलिस को किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी होगी किडनैपिंग और फिरौती की, और तुमने कहा था किसी भी कीमत पे ये बात पुलिस को ना पता चले। तो तुम्हें लग रहा है कि खबरी को फोन करके मैंने इन्फॉर्मेशन दी? फिरौती और किडनैपिंग की बात या तो तुम्हें पता थी या मुझे पता थी, और इंस्पेक्टर ने बोला खबरी को जो फोन आया था वो किसी औरत ने किया। जी, आप कौन? अनुराग खंडेलवाल। ये नाम सुनकर हैरान होने का नाटक मत करना। अनुराग तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मुझे पता है। हाँ या ना? हाँ है, लेकिन आप कौन हो? आप क्यों पूछ रहे हो ये सब? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दीपाली। अनुराग खंडेलवाल कहाँ है निधि? मुझे क्या पता, अपने घर पर होंगे या ऑफिस में? इन दोनों ही जगहों पर नहीं है, क्योंकि 19 अगस्त को उसका किडनैप हुआ है। क्या उसका किडनैप हो गया? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये सब हुआ कैसे? 17 अगस्त तक लगभग हर रोज तुम्हारी बात होती थी अनुराग, कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात, और आज तुम कह रही हो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। 18 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी बात ही नहीं हुई? हाँ, नहीं की, नहीं किया मैंने उसे फोन। हम आए पूछने या तुम खुद चलकर आओगी हमें बताने? मैं आती हूँ, आप बताइए। अनुराग की गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि सुषमा और हर्ष को फिरौती के लिए दोबारा कॉल भी नहीं आया, जबकि किडनैपर्स के पास दोनों के नंबर तो हैं। ये किडनैपर्स जो भी हैं बहुत चालाक हैं, वो जानते हैं कि पुलिस इन्वॉल्व हो गई, तो जाहिर सी बात है वो ये भी समझ गए होंगे कि उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं। शैलेश, हमें इन किडनैपर से एक कदम आगे की सोचना होगा, वरना ये निकल जाएंगे हमें चकमा देकर। अनुराग खंडेलवाल के फोन की आखिरी लोकेशन यही थी साहब? हाँ। इसका मतलब साफ है साहब, जो भी मामला होगा ना इस जमीन का ही होगा। ये जो कच्ची सड़क आप देख रहे हैं ना साहब, इसको चौड़ा करने का कॉन्ट्रैक्ट निकला है, यहाँ से बाईपास बनने वाला है, तो आप सोच लीजिए साहब, एक साल में यहाँ की जमीन की कीमत आसमान को छुएंगी। किशन, अनुराग के पिछले 2 साल के कॉल रिकॉर्ड से हमें एक नंबर मिला, वो नंबर अभी तो स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले तक वो नंबर चंद्रपुर में एक्टिव था। साफ है ना साहब, मामला इस जमीन का ही है। ये कैसे पॉसिबल है कि उसके पार्टनर हर्षवर्धन को इसका पता ही नहीं? उस तो झोल है, पता कर किशन। 444-3091, इस नंबर पे अनुराग की पिछले 2 महीने से लगातार बात हो रही थी। इस नंबर का लास्ट लोकेशन चंद्रपुर का है, और 19 अगस्त को अनुराग का भी लास्ट लोकेशन वहीं का था। सर, मैंने चेक किया, ये नंबर मेरे पास नहीं है। किसका नंबर है? फर्जी है, नाम, एड्रेस और फोटो भी। तो इसका मतलब अनुराग को फंसाया गया है, किसी डील का झांसा देखो। अनुराग सेठ, ये पूरी जमीन देख रहे हैं, 4 लोग के हिस्से में, ये मुझ पर छोड़ दीजिए कि उन्हें जमीन बेचने के लिए कैसे मिले। यहाँ से बाईपास गुजरने वाली है, ये बात तूने भी पता होगी, और बाईपास गुजरने के बाद इस जमीन का दाम आसमान छुएगा, वो लोग जमीन बेचेंगे। आप उसकी चिंता छोड़िए ना, आप बस पेपर रेडी करवाइए, इन्हें कैसे मनाना है वो मैं देखूँ। ठीक है, मैं पेपर रेडी कराता हूँ, लेकिन इस डील के बारे में मेरे पार्टनर हर्षवर्धन को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आपने बोल दिया, बस बात खत्म।
अब ये आपके और मेरे बीच की बात है, जब इसके बारे में कोई जानेगा ही नहीं तो उन तक बात पहुंचेगी कैसे, पहुंचाएगा कौन? सर मुझे लगता है अनुराग जरूर किसी के बिछाए जाल में फंस गया है। अनुराग और मैं पिछले 7 साल से दोस्त हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता कि कोई डील करे और मुझे ना बताए। तो फिर ये जाल क्या हो सकता है हर्षवर्धन राणा जिसमें अनुराग फंस गया? ऐसा क्या था जो ना तो उसने तुम्हें बताया ना ही अपनी पत्नी सुषमा को, और जाकर फंस गया जाल में? जिस नंबर पे अनुराग पिछले 2 महीने से लगातार बात कर रहा था वो नंबर अचानक से बंद हो जाता और फर्जी निकलता है। जिस नंबर से उसकी पत्नी सुषमा को फिरौती का कॉल आया था उसी नंबर से तुम्हें कॉल आया था, ये बताने के लिए कि उन्हें पता है कि वहां पुलिस है और अब वो अनुराग को नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों नंबर्स भी फर्जी निकलते हैं और अब बंद है। ये खेल पिछले 2 महीने से चल रहा था और अब अनुराग की किडनैपिंग को 5 दिन हो गए लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं, और फिरौती के लिए भी कोई दोबारा कॉल नहीं आया। सर यही बात सोच के तो मैं भी परेशान हुए जा रहा हूँ। अनुराग मेरा दोस्त, मेरा बिजनेस पार्टनर, मुझसे कोई डील क्यों छुपाएगा? उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया और ये डील तो शायद बहुत बड़ी डील थी। अच्छा ये अनुराग और उसकी पत्नी सुषमा के बीच आपसी रिश्ते कैसे थे? पीयूष बेटा ये लेटर ना रीना को देना और उसे कहना अपने पापा को दे दे, ठीक है? ठीक है मम्मी, लेकिन पापा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? पापा जल्दी आएंगे बेटा, मम्मा जाती है ना रोज पुलिस अंकल के पास, उन्हें जल्दी ढूंढ लाएंगे। सुषमा और अनुराग के बीच तो सब ठीक ही है, उनकी किसी अमन के बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं। निधि वैद्य जानते हो उसे? अनुराग के मुझसे कभी नाम सुना है इसका? नहीं सर, कौन है निधि वैद्य? 5 दिन हो गए अनुराग खंडेलवाल की कोई खबर नहीं, और फिरौती के लिए भी दोबारा कोई कॉल नहीं है। क्या माजरा हो सकता है? किसी औरत ने हमारे इन्फॉर्मर को कॉल करके इस किडनैपिंग और फिरौती की लेन देन के बारे में बताया, हमें डायरेक्टली कोई भी कॉल नहीं आया। ना अनुराग के वाइफ ने हमें कुछ बताया और ना ही उसके पार्टनर ने कोई खबर दी। तो इन सब में मैं क्या कर सकती? सिर्फ आप हैं जो अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स में लगातार दिखाई पड़ती, लेकिन आपके बारे में ना तो अनुराग का पार्टनर हर्षवर्धन को जानता है और ना उसकी बीवी सुषमा। अनुराग मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जुड़े हुए हर इंसान को मैं जानूं। जिस दोस्त की आप बात कर रही हैं ना वो इस वक्त मिसिंग है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम जो पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा। 8 साल से मैं और अनुराग अच्छे दोस्त हैं, तब से जब से ना मेरी शादी हुई थी और ना ही अनुराग की। अफेयर या टूटा हुआ अफेयर? आप भी शादीशुदा हो, अनुराग भी शादीशुदा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप दोनों अपनी शादियों से खुश नहीं हो और एक दूसरे में खुशियां ढूंढ रहे हो? क्या बकवास कर रही हैं, सोच समझ कर बोलिए। तो आप समझा दीजिए, लेकिन जरा सोच समझ के समझाइएगा, क्योंकि जो किडनैप हुआ वो आपका दोस्त है और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में साफ दिख रहा है कि दोस्ती बखूबी निभाई जा रही है। 8 साल पहले रिश्ता आया था अनुराग का मेरे, 2011 की बात है, तब उसके पापा मी जिंदा थे और मुझे पसंद भी करते थे और मेरे पापा में भी चाहते थे कि मेरी शादी अनुराग से हो जाए। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी पापा से कुछ कह पाती, यही कि मैं अनुराग से शादी नहीं करना चाहती थी, और परेशानी ये थी कि अनुराग और उसके घर वालों को मैं पसंद आ गई थी। अनुराग से सब कुछ साफ साफ कह देना ही मुझे सही लगा। हाँ निधि, जब हम ऑफिशियली एक दूसरे के होने वाले हैं तो ऐसे चोरी चोरी पार्क में क्यों बुलाया मिलने के लिए? क्या तुम मुझसे शादी करके एक दुखी शादीशुदा जिंदगी जीना चाहोगे? क्यों, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं, तुमसे पहले भी 3 लड़के आए थे मुझे देखने के लिए, बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे छुटकारा पाया। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ, आशीष नाम है उसका, अभी जॉब ढूंढ रहा है, वेल सेटल नहीं है, इसलिए पापा मम्मी ने अभी मना कर दिया उससे शादी के लिए। मतलब पहले जितने लड़कों ने तुम्हें पसंद किया था उनसे तुमने खुद को रिजेक्ट करवाया? वाह। लेकिन क्या है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें रिजेक्ट करने का, खास करके तुम्हारी जो कमिटमेंट अभी देखी उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं। मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी बच्चा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अनुराग बाबा तुम्हें सर्व सम्मान के साथ रिजेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन एक और बात, अगर तुमने किसी और से शादी करी ना तो तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। बस तब से मैं और अनुराग अच्छे दोस्त हैं। मेरी शादी आशीष से हो गई और अनुराग की शादी सुषमा से। ना मैं कभी सुषमा से मिली और ना ही अनुराग कभी आशीष से। क्यों? क्यों क्या मतलब? क्या बेतुका सवाल है ये? बेतुका सवाल? बिल्कुल नहीं, जरूरत क्यों नहीं पड़ी? देखिए आप लोग जबरदस्ती कोई कनेक्शन बैठाने में लगे हैं, प्लीज ऐसी कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि मेरे और अनुराग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई अफेयर। और अब आप और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुराग मुझे पैसों से भी हेल्प कर रहा था। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ,
कि मेरे हस्बैंड आशीष को कैंसर है, सेकंड स्टेज पर है वो, और उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। मैंने अनुराग से बस मदद ली पैसों की। हमारी शादी को 4 साल हुए थे और आशीष को कैंसर हो गया। हम बहुत दिक्कतों से उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मैं एक लंबे अरसे से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी कमाई पूरी नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैंने अनुराग से मदद ली। जब जब मैंने अनुराग से पैसे मांगे, तब तब अनुराग ने बेझिझक मेरी मदद की। और मैं तो इस बात से शॉक्ड हूँ कि अनुराग का किडनैप हो गया है, और पिछले 3 दिन से तो मेरी अनुराग से बात भी नहीं हो रही। मैं तो अपने हस्बैंड की कीमोथेरेपी में बिजी थी। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अनुराग के बीच में। चलिए मान लिया कि आपके और अनुराग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, कोई अफेयर नहीं है, पर दोस्ती दोस्ती तो है ना। दोस्ती में हर तरह की बातें होती हैं, और 8 साल से हो रही हैं। 8 साल तो उस दौरान कभी तो अनुराग ने आपसे अपने पार्टनर हर्षवर्धन या अपनी बीवी के बारे में कुछ तो कहा होगा। अब ये मत कहिएगा कि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। निधि वैद्य, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं अनुराग और उसकी बीवी के बीच के तनाव के बारे में नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अनुराग अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, और मेरे और अनुराग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि अनुराग कुछ करने वाला है, कुछ ऐसा जो उसने सबसे छिपा के रखा है। अब आप हमसे कुछ मत छुपाइए, सारी चीजें बता दीजिए। अनुराग किसी जमीन में इन्वेस्ट करने वाला था, कोई जमीन खरीदने वाला था वो। ये बहुत बड़ी डील है निधि, पता नहीं क्यों मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, और ये डील मेरे लिए लाइफ चेंजिंग डील हो सकती है। नर्वस हो तुम? मजाक कर रहे हो क्या? तुम इस बिजनेस में काफी सालों से हो, एंड आई एम श्योर कि ये डील भी तुम इजीली क्रैक कर लोगे। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नर्वस फील कर रहा हूँ। क्या बात है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम। यार ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इसमें गलत करने जैसा तो कुछ है भी नहीं। नर्वस, परेशान किस बात से? इस बात का जिक्र उसने अपने पार्टनर से नहीं किया, अपनी बीवी से नहीं किया, आपको बता दी क्यों? देखिए मैं नहीं जानती कि अनुराग ने किसको बताया और किसको नहीं। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि अनुराग का किडनैप हो गया है, आखिर क्यों? तो आपको लगता है अनुराग किडनैप नहीं हुआ? आपके हिसाब से माजरा कुछ और है? देखिए इन सब के बारे में मैं नहीं जानती। मैं तो इस बात से हैरान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई अनुराग का किडनैप क्यों करेगा। और अगर अनुराग को किसी बात से खतरा था तो मुझसे ज़रूर शेयर करता, क्योंकि 17 अगस्त को मेरी अनुराग से बात हुई थी। अच्छा मुझसे नहीं तो कम से कम अपनी वाइफ से तो शेयर करता। पापा, आज पीयूष ने मुझे स्कूल में चिट्ठी दी और कहा कि आपको देनी, और ये भी कहा कि उसकी मम्मी ने ये है। दिखाओ बेटा। चलो घर चले आओ। हाँ। मुझे कॉल मत करना, ना मोबाइल पर ना लैंडलाइन पे, दोनों ही टैप हो रहे हैं। सुबह की दवाई ले। क्या एक इंसान के मन में जो चल रहा हो वो उस बात के रहस्य को सबसे छुपा सकता है? मम्मा पापा का कुछ पता चला? पता नहीं बेटा। और जैसे उस इंसान ने कई बातें परत दर परत अपने अंदर बंद करके रखी थी, क्या वैसे ही कई बातें उससे भी छुपाई गई थी? विवेक इसे ज़ूम करो। सर साफ साफ नहीं लग रहा। लेकिन ये वो नहीं लग रहा। सर ये सुबह 10:35 का फुटेज है। अनुराग का फोन चंद्रपुर में सुबह लगभग 9:45 को स्विच ऑफ हुआ था। ये फुटेज बैरागढ़ साइड से कैप्चर हुआ है, रोड साइड के सीसीटीवी के फुटेज है सर। इसका मतलब है गाड़ी को वापस भोपाल लाया गया। कितने मंदा ये, कहीं से भी अनुराग तो नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ
जब ये तस्वीर अनुराग की पत्नी सुषमा को दिखाई जाएगी वो यही कहेगी, मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे नहीं पता ये कौन है, हमें पता था आप यही कहेंगे, हम जरा भी हैरान नहीं है। आप कहना क्या चाहती है? मेरे पति की जान खतरे में हो सकती है मैम, एक तो आप कुछ कर नहीं रहे उसे ढूंढने के लिए और ऊपर से मुझ पर ही शक कर रहे, क्या मतलब है इसका? और जाहिर है निधि को भी नहीं पता होगा कि ये कौन है। क्या अभी भी लगता है कि अनुराग की सच में किडनैपिंग हुई? क्योंकि मुझे तो यहाँ कुछ और ही खिचड़ी पकती दिखाई दे रही। लग तो मुझे भी रहा सर, अनुराग की एक नंबर पे पिछले 2 महीने से लगातार बात हो रही थी और अब ये चंद्रपुर वाली बात, खटक तो मुझे भी रहा है कुछ। मुझे तो लगता है कि अनुराग के पास ही इस ताले की चाबी है। क्या गेम प्लानर अनुराग खुद ही है? क्या हो रहा है सब? हाँ? चुपचाप बैठे रहो अनुराग खंडेलवाल, हिलोगे तो ठुकोगे। अच्छा, ओवर एक्टिंग कम किया करो समझे, सबके पैसे काटूंगा मैं, बैठो अंदर, चल बैठ। इन लोगों ने हमें ताश के पत्तों का जोकर समझ रखा, इस गॉगल और कैप वाले को ढूंढ निकालते हैं सर, क्या ये पाताल में ही क्यों ना छुपाओ? सर ये अनुराग कोई गेम खेल रहा है निधि के साथ मिलकर, पुरानी दोस्ती क्या पता प्यार में बदल गई हो। निधि का पति आशीष कैंसर के सेकंड स्टेज पर है, टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है। हो सकता है सुषमा हमसे झूठ ना बोल रही, शायद उसे सच में ना पता हो कि ये कौन है, लेकिन अनुराग का पार्टनर हर्षवर्धन, उसे तस्वीर दिखा, देखते हैं वो क्या बोलता है। इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। इस फोटो को देखकर तो तुम्हारे जैसे होश उड़ गए, क्या हुआ, पहचानते हो इसे? हर्षवर्धन जी, हमने इस हेमंत जादव को ढूंढने के लिए चारों ओर लोग लगा रखे। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस हेमंत जादव के साथ क्या कर रहे हैं, मुझे सिर्फ अपनी बहन सुनीता की फिक्र है, वो ठीक हो। तो सुनीता बहुत ही नादान है, उसे ऊंच नीच की समझ नहीं है, लेकिन ये हेमंत यादव उसे बहका रहा है सर, वो उसे बर्बाद कर देगा, प्लीज मेरी बहन को ढूंढ लो सर। हेमंत यादव कौन है? हेमंत यादव हेमंत हमारा ड्राइवर था, इंदौर का रहने वाला है, 2 साल काम किया था उसने हमारे यहाँ 2013 से 2015 तक, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ कर देगा। जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद कर रहा था, पता ही नहीं चला तब उसने मेरी छोटी बहन सुनीता को बहका दी। मेरी बहन सुनीता एक बेवकूफ लड़की की तरह उसके झांसे में आ गई और वो उसे भगा के ले गई। क्यों किया सुनीता ने ऐसा? क्यों? प्यार करने वाला भाई उसे पराया लगने लगा और वो कमीना हेमंत उसे अपना लगने लगा। हेमंत और सुनीता इस वक्त कहाँ हैं? उस कमीने हेमंत ने मेरी बहन को मार डाला, मेरी सुनीता को मार डाला, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, केस भी चला उसे, अभी बेल पे बाहर है। लेकिन हर्षवर्धन, हेमंत आपका ड्राइवर था, उसने आपकी बहन से शादी की, आपकी बहन का मर्डर किया, उसका अनुराग से क्या कनेक्शन? वो अनुराग को किडनैप क्यों करेगा? इसकी क्या वजह हो सकती है? ये कोई बहुत बड़ी चाल लग रही है सर। तो सुषमा झूठ बोल रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, अनुराग कोई डील करे मुझे ना बताए, मैं पार्टनर उसका। सर मुझे लगता है कोई डील वाली बात थी नहीं। अगर डील नहीं थी तो अनुराग चंद्रपुर गया क्यों? क्या उसे ट्रैप किया गया? कोई उसे ट्रैप क्यों करेगा सर? वो क्यों किसी के जाल में फंसेगा? सर कोई डील है ही नहीं, सिर्फ एक गेम खेला जा रहा है, ये किडनैपिंग, ये फिरौती सिर्फ एक कहानी है हम सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। सर मुझे लगता है अनुराग उस दिन घर से बाहर निकला ही नहीं था। सुषमा, किस बात का डर है तुम्हें? हम कब तक इस तरह चिट्ठियों में बातें करते रहेंगे? क्या हम मिलकर बात नहीं कर सकते?
सर अनुराग किसी बड़ी मुसीबत में है सर। सर ये फिरौती वाला कॉल दोबारा नहीं आया तो सुषमा ने मुझे बार बार यही बात बोली कि फिरौती और किडनैपिंग वाली बात किसी भी कीमत पर पुलिस तक ना पहुंचे। और आपके इन्फॉर्मर को जिसने ये बात बताई किडनैपिंग और फिरौती वाली कोई औरत थी सर। सुषमा कोई गेम खेल रही है सर, मुझे तो पहले दिन से शक था सर। आपके हिसाब से देखें तो फिर अनुराग घर से कभी निकले नहीं, तो शायद उसके साथ घर में कुछ हुआ, शायद मर्डर। लेकिन नहीं, 19 अगस्त की सुबह को अनुराग रफीक मैकेनिक से उसके गैराज में मिला था। सलाम साहब, कैसे हो रफीक? बढ़िया। इसके स्टार्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर। ये सब मैं नहीं जानता सर, मैं सिर्फ अंदाजे से कह रहा हूँ सर। कुछ तो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है सर। ये हेमंत एक सनकी क्रिमिनल है सर, अभी बेल पे बाहर है। इसने मेरी बहन को बहला फुसलाकर भगाया, फिर उसकी जान ले ली, और अब यहाँ दिख रहा है अनुराग की गाड़ी चलाता वो। सर ये सब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है ना? निधि अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो तुम शोक मत मनाना, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एक बहुत अच्छी पत्नी हो तुम। दवाई का मैं जानती हूँ, तुम जानबूझकर अपनी दवाई स्किप कर रहे हो। निधि कभी अफसोस मत करना, तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रही हो, तुम अनुराग से शादी कर लेना, वो एक अच्छा इंसान है। क्या ये हेमंत यादव यहीं रहता है? उसका घर है ये? हाँ, यहीं रहता था पहले। अब कहाँ रहता है? 6 महीने पहले बेल पे बाहर आया था, फिर 2 महीने पहले अचानक एक दिन आया और बोरिया बिस्तरा लेके निकल गया। निकल गया कहाँ? मैडम ये तो नहीं बता सकती, किसी से कुछ कहता तो कान पे बात पड़ती। वैसे बात क्या है मैडम, उसने फिर किसी का खून किया है क्या? सनकी था हेमंत मैडम, पहले तो उसने एक लड़की को भगाया, फिर उसे मार डाला। ये हेमंत इंदौर से है, उसका इंदौर का एड्रेस है आपके पास? नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन रामलाल भैया उसके मकान मालिक है, उन्हें पता होगा। आप लोगों को मेरा ही घर क्यों सर्च करना है? चल क्या रहा है ये सब? मेरे पति को ढूंढने के बजाय आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं। शक करना हमारा काम है मैडम, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, इसमें परेशानी क्या है? अगर आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया, आप शक के दायरे से बाहर हैं, तो फिर किस बात का डर? चल। वाकई में 19 अगस्त 2019 को अनुराग घर से बाहर गया भी था? क्या अनुराग ने सचमुच सुषमा को वो सब वैसे ही कहा था जैसा सुषमा दावा कर रही थी? क्या निधि वैद्य जितना बता रही थी उससे कहीं ज्यादा वो छुपा रही थी? क्या जैसा दिखाया जा रहा था वैसा ही हुआ था? क्या सचमुच कोई किडनैपिंग हुई भी थी? क्या दाव पेच खेला जा रहा था? हर्षवर्धन राणे पर निशाना क्यों साधा गया? आखिर इस खेल का मकसद क्या था? कौन था इसका मास्टरमाइंड और कौन था शिकार? ये एक मुश्किल केस था, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई मुश्किलें भी बढ़ती गई। अनुराग खंडेलवाल की किडनैपिंग का केस रहस्यों से भरा था,
हर्षवर्धन की बहन सुनीता का मर्डर केस फिर से खोला जाने वाला था और उसमें कई और रहस्य सामने आने वाले थे। कई बातें जो अब तक सामने आई थी वो अधूरी सच्चाई थी और बाकी बची हुई बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था ताकि असल बात पर पर्दा पड़ा रहे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।